नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त के एक नए प्रोग्राम के साथ, जहां यूपी में चुनावों की अग्नि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा 10 मार्च को आना बाकी है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन सी पार्टी होली से पहले रंगों में डूबेगी और कौन सी पार्टी रंगों से भागती हुई नजर आएगी। लेकिन बाजारों में नतीजों और होली से पहले ही रंगों की डिमांड अब बढ़ गई है। तो चलिए दिखाते हैं आखिर कौन से रंग का कुमार जनता पर ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। यूपी का चुनावी चक्रव्यूह अब पार हो गया है, जिसका खुलासा 10 मार्च को ही होगा कि आखिर किसको जनता ने आगामी 5 साल के लिए सूबे की कमान सौंपी है। जहां एक तरफ जनता नतीजों का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो जीत की तैयारी में भी जुट गए हैं। होली भी नजदीक है और चुनावी नतीजे भी, लेकिन होली से ज्यादा लोग नतीजों को लेकर उत्साहित हैं, जिसको लेकर इस बार के बाजारों में केसरिया रंग की भारी मांग है। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद लोगों पर जिस प्रकार भगवा गमछा का शौक चढ़ा था, कुछ उसी तरह अब भगवा अबीर का भी चलन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता भगवा रंग के अबीर से गुलाल खेलने के मूड में है। होली के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों पर भी होली का रंग चढ़ने लगा है, जबकि पिछले 2 साल से कोरोना ने भले ही गुलाल कारोबारियों के धंधे को डाउन कर दिया है, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार धीमी है, जिसको लेकर कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं इस बार चुनाव भी है और बाजारों में गुलाल की मांग अभी से ही बढ़ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा भगवा रंग की मांग है और बिक्री भी ज्यादा भगवा गुलाल की ही हो रही है। कोरोना ने भले ही बीते 2 साल से होली फीकी कर दी थी, लेकिन इस बार होली के साथ साथ चुनावों ने भी होली का मजा दुगना कर दिया है। लेकिन अब इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा कि यूपी किसके रंग में रंगती नजर आती है, भगवा के लाल या किसी अन्य दल के रंग से। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।